नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बहस गरम है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो है संतों पर सियासत। जी हां, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन उनके संतों पर आए एक बयान ने सियासी पारा बढ़ा दिया। धार्मिक संगठन तो इस पर आक्रोशित है ही, बीजेपी ने भी इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझते हैं, देखिएगा। धर्म की भी दुकानें खुल गई है, ये भी सुनने लायक बात है। धर्म की भी दुकान खुल गई, पहले छोटी दुकान देती थी, अब बड़ा जनरल स्टोर खुल गया। वो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम वाला, एक सीवर वाला प्रदीप मिश्रा, बड़ी दुकान खोल ली। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के इस बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर संतों पर बहस गरम कर दी है। सज्जन वर्मा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आजकल धर्म की कई दुकानें खुल गई हैं, जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा जैसे कथावाचक भी शामिल हैं। पहले ये दुकानें छोटी थीं, लेकिन अब बड़ी हो गई हैं। सज्जन वर्मा के इस बयान को लेकर न सिर्फ धार्मिक संगठन बल्कि बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस का चाल चरित्र ये सब दुनिया जानती है, और जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं तो इनको हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले, हिंदू धर्म को संगठित करके हिंदू धर्म को दिशा देने वाले साधु महात्माओं को इनको दुकान लगती है। लेकिन जैसे चुनाव आ जाते हैं तो इनके नेता मंदिर मंदिर घूमते हैं, तब इनको धर्म की याद नहीं आती। एक तरफ जहां कांग्रेस अपने दिए हुए बयान पर घिरती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गौरीशंकर बिसेन ने अपने साथ हुई बदसलूकी को बड़ी ही सफाई से चर्चा से हटा दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से कोई भी परेशानी नहीं है, नर का काम नारायण की सेवा करना होता है। मैंने तो नर सेवा में नारायण सेवा को माना है, और मैंने मुख्य जो जवाबदारी लिया था वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का भोजन, हमने तो पंगत में बैठा करके हमारे हिंदू परंपरा अनुसार नीचे बैठा करके हमने महाप्रसाद हमारे आगंतुक श्रद्धालुओं तक पहुँचाया। उन्होंने कहा कि भाई इस समय में मंच पर जाना उचित नहीं है, तो वहाँ रुके, इसके अलावा और कोई घटना नहीं घटी। धर्म पर राजनीति होना कोई नई बात नहीं है, बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी के अपने अपने तर्क हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जनता को लुभाने के लिए नेता और पार्टियां बाबाओं और कथाओं का सहारा ले रही हैं, साथ ही बाबाओं पर बयानबाजी कर सुर्खियां बटोरने की कोशिश भी हो रही है। बाबाओं पर बयानबाजी कितना फायदा दिलाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन राजनीतिक बहस तो गर्म हो ही रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो राजनीतिक बहस तो गरम होगी, बहस गरम इसलिए होगी कि बात धर्म की भी होती है और बात संत महात्माओं की भी होती है, दोनों दल करते हैं, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस। लेकिन कई बार ऐसे बयान सामने आ जाते हैं जो मुश्किल खड़ा कर देते हैं। अब सज्जन वर्मा जी जो कह गए उसके क्या मायने हैं, समझते हैं। आज मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हैं, जितेंद्र मिश्रा जी है कांग्रेस के प्रवक्ता। जितेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आप दोनों में आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वामी अवधेशानंद पुरी भी जुड़ेंगे, क्रांतिकारी संत है उज्जैन से, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले जितेंद्र जी, सुना आपने सज्जन वर्मा जी का बयान? मनोज जी, जी सबसे पहली चीज तो ये कि साधु संतों का इस हिंदुस्तान की धरती में हरदम सम्मान हुआ है, कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की गई जो उनके सम्मान को विपरीत हो। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि साधु संतों का जो काम है उससे हटके अगर कोई काम वो करेंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह की बयानबाजी सामने आती है। आप ये बताइए कि एक संत हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता को, जो पूर्व में विधायक भी रहे हैं, उनको मंच से कहते हैं कि अब की बार हेमंत कटारे को विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये उनका अधिकार क्षेत्र है कि लोकतंत्र में जनता का अधिकार क्षेत्र, मुझे ये समझ में नहीं आता है। रतनगढ़ वाले बाबा खुलेआम कह रहे हैं कि 30 तारीख तक मुख्यमंत्री बदल जाएगा, मुझे लगता है इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। आज गौरीशंकर बिसेन की जो पीड़ा है
उसको भी समझने की जरूरत है। बात राजनीतिक नहीं है, आज ये है कि कब तक इस तरीके की चीज़ों को सहन किया जाएगा। सम्मान की आड़ में कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि इस तरह की बयानबाजी हो जाती है जो राजनीतिक क्षेत्र में दखल देती है। निश्चित तौर पर हर संत का सम्मान है, यहाँ तो भगवा कोई भी पहनता है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक मेरा विचार है मनोज जी कि राजनीतिक टिप्पणियों से साधु संतों को बचना चाहिए, उनका सम्मान भी बरकरार। आप भी मानते हैं दुकान है क्या? नहीं, देखिए आप अगर आप राजनीति में विधायक तय करने लगेंगे, अगर विधायकों को देखिए मैंने कांग्रेस की भी बात की, मैंने भारतीय जनता पार्टी की दोनों की बात की, लेकिन मैं राजनीतिक दल पे के आधार पर बात नहीं रख रहा हूँ। मैं तो एक आम जन की पीड़ा बता रहा हूँ कि आज लोकतंत्र में जनता को जो अधिकार है वो जनता के पास रहना चाहिए, साधु संतों को जो अधिकार है वो साधु संतों के पास रहना चाहिए। जरा भी कहीं कोई अगर दखल एक दूसरे के मामले में नहीं देगा तो निश्चित तौर पर सम्मान रहेगा, लेकिन इस तरह की भविष्यवाणी अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो क्षुब्ध होगा, जो कहीं ना कहीं पीड़ित होगा, उसके बयानों से साफ समझ में आ जाएगा। मतलब ये दुकान है ऐसा अपन कह सकते हैं, आप कह सकते हैं सज्जन वर्मा, मुझे ये बताइए मनोज जी कि जिस तरीके का ओरा, जिस तरीके का खर्चा उनकी सभाओं में और उनके कथाओं में हो रहा है, तो निश्चित तौर पर इसे और क्या कह सकते हैं। मेरी जगह अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप खुद कहेंगे कि ये बहुत बड़ी दुकान, लेकिन मेरा ये कहना है कि साधु संतों को कम से कम अपनी जबान पर संयम रखना चाहिए। बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं जो विवादास्पद होती है, लेकिन अगर उस पर आपने कहीं सवाल पूछ दिया तो हिंदू धर्म पर सवाल हो जाता है। आप ये बताइए क्या अगर कोई गलत टिप्पणी चाहे वो साधु संतों की तरफ से आए उस पर सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? निश्चित तौर पर संविधान हमें इजाजत देता है कि हम हमारे प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मनोज जी आज माहौल ऐसा बन गया है कि अगर प्रधानमंत्री से अगर सरकार से सवाल पूछो तो देशद्रोही कहलाने लगते हैं। सर मैं लौट रहा हूँ, बोल लौट रहा हूँ, इसी पे रहते हैं, तो धर्म विरोधी कहलाने लगते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर मर्यादा लांघने का प्रयास ना किया जाए तो निश्चित तौर पर इस तरह की टिप्पणियां नहीं होंगी। दुकानें खुल रही, आप सज्जन वर्मा ऐसा कह रहे हैं, मतलब मर्यादा। मैंने गौरीशंकर बिसेन का जिक्र भी आप, मैंने मुख्यमंत्री का भी जिक्र किया, बिसेन को भी सुनवा दिया। दुर्गेश जी देखिए, मनोज जी कांग्रेस के प्रवक्ता को अपने कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखना चाहिए, दोनों तरफ की बातें नहीं करनी चाहिए उनको कि मैंने दोनों तरफ की बात की। आपका जो दायित्व है, आपका जो धर्म है, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखने का है, और आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। सज्जन वर्मा जो दुकानों की बात कर रहे हैं उस पर स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहिए कि सज्जन भाई बोल रहे हैं कि धर्म की दुकानें खुल गई हैं, तो क्यों आप कमलनाथ जी को उन धर्म की दुकानों पे नतमस्तक होने के लिए भेज रहे हो? क्यों दूसरे नेता उनकी तरफ नतमस्तक हो रहे हैं? संतों का अपना काम है, आपका संविधान में अधिकार है, बिल्कुल है जी, पर क्या संतों को आप स्क्रिप्ट लिख के दोगे क्या कि आपको क्या बयान देने क्या नहीं देने? आप होते कौन हैं? आज जो बड़े बड़े पंडाल संतों के लग रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं, भक्तगण जा रहे हैं, तो उससे आपको आपत्ति क्या है? क्यों आप उन पे प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहे हो? ना, कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो 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 साधु संतों का, कौन से साधु संतों का सम्मान करती है? मिर्ची बाबा का। कौन से साधु संतों का सम्मान करती है? कंप्यूटर बाबा का। इन बाबाओं के इर्द गिर्द होकर आप हमारे दूसरे जो 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 संत सद्भाव का मार्ग दिखा रहे हैं, जो संत जगह जगह पूजे जा रहे हैं, जो संत जा रहे हैं तो पंडालों के पंडाल भर जा रहे हैं, और उनको आप आईना दिखाने का काम कर रहे हो? संविधान ने आपको यह अधिकार नहीं दिया है, कांग्रेस को भी यह अधिकार नहीं है कि वो संतों पर टिप्पणी करे। संत सदैव से ही सद्भाव का मार्ग दिखाते हैं। आप देखें उनके पंडालों में, आपने मनोज जी आपने उस दिन भी देखा होगा जब बिहार में धीरज कृष्ण शास्त्री जी थे, तो उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि पंडाल की जो सीमा है उससे कई ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आएँ, क्योंकि गर्मी का समय है, कोई अनहोनी घटना नहीं हो, इसलिए जल्द हमको इसको समाप्त करना चाहिए। तो वो सब देख रहे हैं, पर आप कांग्रेस क्या चाहती है
कि कांग्रेस कांग्रेस की स्क्रिप्ट संत पढ़े वहाँ पे? संत तो समाज का एक समाज के लोगों को मार्ग दिखाने का काम करते हैं, भटकों को मार्ग दिखाने का काम करते हैं। आप नहीं मानते दुर्गे जी की दुकान है जैसा सज्जन वर्मा है? कहीं कोई दुकान नहीं है, कहीं कोई दुकान नहीं है। ये दुकान उन इच्छाधारी हिंदुओं को लगती है जिनका धर्म से कोई वास्ता ही नहीं है। इच्छाधारी हिंदू कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल इच्छाधारी हिंदू है ये लोग, बिल्कुल इच्छाधारी हिंदू है मनोज जी। ये तभी मंदिरों को पूजते हैं जब जब चुनाव नजदीक हो, वरना ये तो एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले लोग हैं। आप इनके सब चीजों को देख लीजिए, आप इनके आचरण व्यवहार को देख लीजिए, ये उसी के उनको खुश करने में लगे रहने वाले लोग हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, इच्छाधारी हिंदू बोल दिया। देखिए, संविधान ने सबको अपनी विचारों की अभिव्यक्ति दी है मनोज जी। भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आता संत संत होता है, मैंने पहले भी कहा। हम तो भगवा के नाम को भी प्रणाम करते हैं संत, तभी तो भगवा को आतंकवाद कहने की काम चेष्टा की थी दिग्विजय सिंह ने। भगवा भगवा को आतंकवाद जैसे शब्दों को गढ़ने का काम किया, और आपके आपकी नजर में तो वो जाकिर नाइक को कांग्रेस शांति का दूत बताती है, वो कांग्रेस जाकिर नाइक को शांति का दूत बताती है। अरे हमें तो सब पूरा साहस है, पर आपने ऐसा कैसे दुस्साहस कर लिया कि आपकी आपकी स्क्रिप्ट को संत पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे संत। संत कभी संत अपने स्वभाव से अपने आचरण व्यवहार से बात रखते हैं, जो वहाँ पे जरूरत होती है उसकी बात रखते हैं। दुर्गे जी सुन तो लीजिए, बात सुन लीजिए। भगवा और साधु संत दोनों में बहुत अंतर है। जो आजकल इच्छाधारी भगवा बने हैं, देखिए जो इच्छाधारी आपको कह रहे हैं, बोलने तो दीजिए, ये अपनी थ्योरी नहीं चलेगी, बोलने तो दीजिए, ये थ्योरी नहीं चलेगी। जिस तरीके से भगवा को पहन करके, ये थ्योरी नहीं चलेगी आज क्या, आपकी क्या कसूर है? साधु संत अलग होते हैं, भगवा अलग होता है। नहीं नहीं, ये दोनों चीजें गलत है। जिस तरीके से आप व्याख्यान करने वाले कोई नहीं, जिस तरीके से आप कोई धर्म गुरु है क्या? कोई धर्म गुरु है क्या आप? धर्म कोई धर्म गुरु है क्या आप? धर्म गुरु है तो मैं तो कोई प्रवचन देने का बात ही नहीं कर रहा हूं। आपकी नजर में मिर्ची बाबा ही असली बाबा है, आपकी नजर में कंप्यूटर बाबा ही बाबा है। आपको धीरज कृष्ण शास्त्री जी आपको ये दिखते हैं, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी पे वो आपको राम रहीम दिखते हैं, जनता आपको घर बिठा देगी आने वाले चुनाव में। आप देखिएगा आने वाले चुनाव में जनता आपको घर बिठा देगी। चलिए सर, सर मैं लौट रहा हूं, आप दोनों में बने रहिए मेरे साथ, आप बने रहिए। का आरोप लगा आपके अंदर इतना साहस कैसे हुआ? वो धर्म धर्म का काम कर रहे हैं, वो धर्म धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बाबा सनातन का प्रचार प्रसार, सनातन सनातनी लोगों को जी सुनिए मनोज जी के प्रवचन मिल रहे हैं, सामाजिक रूप से मिल रहे हैं। अगर चलिए धर्म धर्म गुरु भी जुड़ गए ना हमारे साथ पर चलने के विमर्श सामने नहीं आएगा। कांग्रेस के पेट में अवधेशानंद गुरु जी भी जुड़ गए, धर्म गुरु जी भी जुड़ गए। आज ये बताइए जितेंद्र जी, भगवा पहन के महाराज जी मैं प्रणाम कर रहा हूँ आपको, भगवा पहन के प्रज्ञा ठाकुर राजनीति करती है और कहती है भगवा की बात करो। अरे साधु संतों का धर्म ये होता है कि वो धर्म की राह बताए। अरे आप मत बताओ, आपसे कोई जान नहीं, मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। धर्म की चोरी जी, आप रुकिएगा, कांग्रेस के लोग सबसे पहले एक विशेष वर्ग की राजनीति करते हैं, उनसे सुनने वाले नहीं है, जनता समझती है। सबसे पहले सज्जन वर्मा का बयान सुना दीजिए एक बार, अवधेशानंद गुरुजी महाराज खुश करने के लिए आप हिंदुत्व को बताएंगे, वो बयान भी सुनवाएंगे, इस देश में जो आपने माखोल खड़ा किया है, अवधेशानंद पुरी महाराज की जरूरत है। मैं आप साधु संत कभी भी राजनीतिक टिप्पणियां नहीं करते मनोज जी, लेकिन आप लोग बताइए, आप दोनों बने रहिए, आपकी आप बने रहिए मेरे साथ, आप बने रहिए। कंप्यूटर बाबा संत नजर नहीं आता है जी, आपको कंप्यूटर बाबा संत नजर नहीं। मैं लौट रहा हूँ, मिर्ची बाबा को मिर्ची बाबा सर, बयान बयान सुन लीजिए, राम बापू एक बार बयान सुन लीजिए, फिर अवधेशानंद पुरी महाराज के बाद सज्जन वर्मा क्या कहे। दुकानें खुल गई है, ये भी सुनने लायक बात है। धर्म की भी दुकान खुल गई, पहले छोटी दुकान देती थी, अब बड़ा जनरल स्टोर खुल गया। वो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम वाला, एक सीवर वाला प्रदीप मिश्रा, बड़ी दुकान खोल ली। अब महाराज जी बड़ी दुकान खोली, हालांकि सज्जन वर्मा जी जहां खड़े हैं वहां भी एक संत बाजू में बैठे। अब वो मैं नहीं कह रहा है उनके हिसाब से वो छोटी दुकान है या बड़ी दुकान, वो तो वही समझे,
पर क्या कहेंगे आप, क्या दुकानें हैं? अगर सज्जन सिंह जी दुकान शब्द का उपयोग कर रहे हैं, वो स्वयं भी एक दुकान पर ही खड़े हैं, उनके लिए अगर दुकान है तो मेरे लिए दुकान नहीं है वो, मेरे लिए तो वह हमारी भारतीय सनातन परंपरा को, हमारी संस्कृति को, हमारे भाई जी आपकी आवाज ठीक सुन पाए, जरा थोड़ा आवाज ठीक नहीं मिल रही। मैं बोल तो रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। मेरी नजर में वो दुकान नहीं है, अगर सज्जन सिंह वर्मा जी की नजर में वह एक दुकान है तो हो सकता है कि उनको इस बात का मलाल हो कि उनको बड़ी दुकान नहीं मिल रही है, छोटी दुकान पर बोलने का ही अवसर उनको प्राप्त हो रहा है, शायद इसलिए ऐसी बात कर रहे हो, लेकिन मेरी समझ में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये दुकान नहीं है, ये तो हमारे जो हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारी परंपराएं हैं, उनको समाज तक पहुंचाने का एक सुंदर माध्यम है, प्लेटफार्म है, जिसके द्वारा कोई भी विद्वान अपनी बात रखते हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं कि कांग्रेस को इतना उतावला होने की आवश्यकता नहीं है, इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दोहरी बात कांग्रेस स्वयं कर रही है, एक तरफ तो धर्म के रास्ते पर आना चाहती है और दूसरी तरफ धर्म धर्म की और धार्मिक लोगों की निंदा करती है। तो मुझे लगता है कि फिर ये सफलता के वो नहीं है, सूत्र नहीं है। इसलिए कांग्रेस को चाहिए कि अगर सच्चे अर्थों में धर्म को अपनाना चाहती है, क्योंकि एक तरफ तो आप मंदिरों में जा रहे हो, एक तरफ तो आप कुर्ते के ऊपर मतलब कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहन रहे हो, एक तरफ आप माता जी के मंदिर में पूजा कर रहे हो और दूसरी तरफ संतों को आप दुकानदार कह रहे हो, भगवा की आप परिभाषा दे रहे हो। अरे भैया भगवा क्या है, भगवाधारी कौन है, किसको भगवा धारण करना है या किसको नहीं करना है, ये तो हमारा संतों का सब्जेक्ट है। आप क्यों रही बात एक भगवाधारी राजनीति नहीं कर सकते भैया, क्यों नहीं कर सकते? क्या योगी जी को आपने नहीं देखा? क्या पूरी दुनिया योगी जी को नहीं देख रही है? एक आदर्श उदाहरण बनकर के योगी जी सामने आए हैं कि किस प्रकार एक राज्य का संचालन किया जाता है, वह योगी जी से सीख लेना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस कहां गई उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं आती योगी जी के सामने, उसके विचार कहां गए? तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि संतों पर भरोसे की बजाय कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि उसको किस प्रकार सफलता मिलेगी। चलिए मैं समझ लेता हूं, महाराज जी मैं समझ लेता हूं। मेरे साथ कांग्रेस के मेहमान ही जुड़े हैं, तो अब चूंकि बात आपने कांग्रेस की कर दी तो मैं जितेंद्र मिश्रा जी आपने सुना होगा, अब तो संत महात्मा भी कह रहे हैं कि यदि आप दुकान मानते हैं तो फिर क्यों बात करते हैं? नहीं देखिए मनोज जी, फिर वही बात कहूंगा मैं कि साधु संतों को सभी को एक दृष्टि से देखना चाहिए। अगर देखिए आप कह रहे हैं कि साहब धर्म पे भी चलते हैं, धर्म में भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन साधु संतों का सम्मान करते हैं। अगर साधु संत राजनीतिक बयानबाजी करेंगे, अगर किसी को हटाने और किसी को बैठाने की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर सवाल भी उठेंगे और इन सवालों को सहना भी पड़ेगा। अगर आप राजनीतिक मामलों में टिप्पणी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। आज गौरीशंकर बिसेन की पीड़ा देखिए, कल 30 तारीख होने वाली है, मुख्यमंत्री को हटाने की भविष्यवाणी करने वाली, हमारे विधायक को पूरा विधायक की बात करने वाली, ये लोकतंत्र का भी सम्मान करना पड़ेगा आपको। आप इस तरह की भविष्यवाणियां उस ब्यास गादी पर बैठ के नहीं कर सकते। आपको धर्म की बात करना है, आपको उपदेश देना है, आपको किसी को हटाना और किसी को बिठाने की बात नहीं करनी। जितेंद्र मिश्रा जी एक बात मैं समझना चाहता हूँ, दो नाम उन्होंने लिए हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा, दोनों इन दिनों बड़े चर्चा में हैं, दोनों की कथा में हजारों लाखों लोग पहुँच रहे हैं, लाइनें लग रही, लोग कह रहे हैं कि यदि आज से 10 साल बाद भी जगह नहीं है, इतनी लाइन लगी पड़ी है, तो क्या इसलिए आप कांग्रेस को लगता है कि बड़ी दुकानें हों? नहीं, मेरा कहना यह है कि ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हों या प्रदीप मिश्रा हों, ये हमारे यहाँ भी आए, हमने भी इनका स्वागत सम्मान किया है। सवाल भगवा का नहीं है, सवाल संतों का नहीं है, लेकिन संतों की जो टिप्पणी है अगर वो भी मर्यादा में रहे तो निश्चित तौर पर सारी चीज़ें सम्मानित होने लगेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में अपने विचार व्यक्त। सज्जन वर्मा जी के बयान से आप सहमत हैं, कांग्रेस सहमत कह रहे थे कि योगी जी उत्तर प्रदेश चला रहे, योगी जी भी उत्तर प्रदेश चला रहे, ये हमारे भोपाल की सांसद भी भोपाल को चला रही, लेकिन आप अगर भगवा छोड़ के कहीं ना कहीं बम बनाने वाली साजिशों में शामिल होंगे और आप आरोपी होंगे तो निश्चित तौर पर सवाल उठाना पड़ेगा। आज आप जिस तरीके से आप तो ये बताइए साथ में जाकिर नाइक को शांति का दूत किसने बताया, आप कहीं जाकर ये बताइए सवाल उठेगा जाकिर नाइक को शांति का दूत किसने बताया, भगवान की आड़ में आज कौन है जो भगवान प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर किस केस को लेकर के आरोप है, कौन है वो, इस तरीके से आज उसको बताना चाहिए, वो बंटाधार दिग्विजय सिंह जी है, दिग्विजय सिंह जी है वो
मनोज जो बंटाधार आज भगवान प्रदेश को बंटाधार कर दिया, राजनीतिक दुकान चलाने वो जाकिर नाइक को शांति का दूध बताने का काम कर रहे हैं। इस तरीके की बयान देनी है अगर आपको अपने नेताओं को सलाह दीजिए, अपने नेताओं को आप सलाह दीजिए तो भगवान दिग्विजय सिंह जी को बोलना चाहिए, क्यों दिग्विजय सिंह जी गलत बात करते हैं ये आपको बताना चाहिए दिग्विजय सिंह जी को, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। महाराज कहिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता था कि आखिर इन लोगों को इतनी आपत्ति क्यों है कि संत राजनीति नहीं कर सकते, संत राजनीति क्यों नहीं कर सकते भैया, जब संत इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नागरिक भी है, वो वोट दे सकते हैं, उनके वोट को तो आप उपयोग कर सकते हो लेकिन संत अपने विचार नहीं दे सकते। ये तो हमारी संकीर्ण विचारधारा हुई कि हम उनका वोट तो चाहते हैं लेकिन उनका विचार नहीं चाहते। अरे संत से अच्छी राजनीति तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि संत अगर देखेगा तो समाज को निष्पक्ष दृष्टि से देखेगा, संत जो है निर्लोभ दृष्टि से राजनीति करेगा, संत का चिंतन बड़ा होगा, वो अपनी 500 पीढ़ी का इंतजाम नहीं करेगा, वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा जितना ये लोग 500 पीढ़ी का इंतजाम करने के बाद उनके पेट नहीं भरते। या तो ऐसा सिस्टम बन जाए कि जो नेता 5 वर्ष तक राजनीति करे तो 5 वर्ष बाद उस नेता की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, तब पता चले कि महाराज जी आपका पहले महाराज जी आपका ये कहना है कि जो राजनीति कर रहे हैं वो दुकानदारी कर रहे हैं। हाँ तो दुकानदारी ये कर रहे हैं तभी तो इनको संत भी दुकानदार दिखाई दे रहे हैं, विशुद्ध दुकानदारी कर रहे हैं। अगर ये संतों को दुकानदार कह रहे हैं तो अरे जो कथा कर रहा है, जो प्रवचन कर रहा है, जिसको सुनने के लिए करोड़ों लोग आ रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं। एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी मनोज जी, पूछे कि संत राजनीति कर सकते हैं लेकिन राजनीतिक व्यक्ति यानी संतों पर टिप्पणी कर दे तो आपको बहुत बुरा लग जाता है, क्यों उसको अधिकार नहीं है आपके ऊपर टिप्पणी करने का? उनको अगर गलत टिप्पणी करेगा तो गलत कौन सी टिप्पणी कर दी, क्यों ये दुकान वाली गलत कर दी, दुकान वाली गलत नहीं है, भगवान की आज में आप राजनीतिक कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, भगवान पहन करके समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं। आप कैसी बात करते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई बयान आता है तो उसकी आप सराहना कर जाते हैं। आप अगर संत राजनीति कर सकते हैं तो राजनीतिक व्यक्ति संतों से सवाल पूछने का अधिकार रखता है, ये हमारा संविधान अधिकार देता है। अगर कंप्यूटर बाबा पे सवाल होगा, आप कंप्यूटर बाबा पे सवाल कर सकते हैं, शर्म नहीं आ रही आपको? अरे मिर्ची बाबा की बात करो, अरे बाबा कंप्यूटर बाबा को आपने कहा कि वो संत नहीं है, आप ये बताइए कंप्यूटर बाबा को लेकर के आपने कहा? महाराज जी आपको कहना चाहिए था, आपका कोई सवाल है जी मिश्रा जी, धर्म को बदनाम जो कर रहे हैं, मिर्ची बाबा हयग करने वाले थे दिग्विजय सिंह के पक्ष में, धर्म को बदनाम जो कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता उनको लेकर बैठकर घूम रहे थे, कांग्रेस पूरी की आपका सवाल का जवाब दिए, कांग्रेस के संत थे मिर्ची बाबा और कंप्यूटर बाबा, बोलिए बोलिए हमारे संतों के लिए आप ऐसे अनर्गल टिप्पणी करते हो तो जनता स्वामी जी बोलिए, जनता संतों आने वाले चुनाव में अगर संतों को राजनीति में आना है आने वाले चुनाव में आपकी आवाज मुझे मिल जाए तो अच्छा है, टिप्पणियों को भी सुनना पड़ेगा, जनता ये नहीं कह सकते कि अगर किसान मिश्रा जी आपका सवाल ले लूं, मैं आपका सवाल ले लूं, अब देश बहुत गलत कर दिया जीतन जी, आपके सवाल का जवाब ले लूं, आपका सवाल का जवाब ले लें, आपके सवाल का जवाब ले लें जी, अवधेश आनंद महाराज जी एक एक करके बोले सभी लोग बोलते तो नहीं, आप बोले कंप्यूटर बाबा संत है कि नहीं आपकी नजर में, ये बताइए उनके ऊपर बाबा का भी बताइएगा अवधेश आनंद जी, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणी को स्वीकार करते हैं आप? बाबा को लेकर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी चलते हैं, जाकिर नाइक को शांति का दूध बताने का दुस्साहस मुझे बताइए आप, और कंप्यूटर बाबा का शब्दों को गढ़ने का काम कंप्यूटर बाबा के लगाना, आप दोनों महाराज संतों की परिभाषा है, संत की वाणी तो सुन लीजिए क्या कह रहे हैं जी अवधेश आनंद जी। देखो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो हमारे पक्ष की बात करे वो संत है और जो हमारे पक्ष की बात ना करे वो संत नहीं है, तो ये जो परिभाषा है अपने आप में गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे संत को क्या कहना है, क्या टिप्पणी देनी है, उसका बुद्धि विवेक है, ठीक है कि आपकी समझ में उसकी बात आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, लेकिन आपकी समझ में अगर उसकी बात नहीं आ रही है इसका अर्थ ये नहीं है कि वो संत नहीं है। अब कांग्रेस को क्या है, कंप्यूटर बाबा अच्छे लग सकते हैं, मिर्ची बाबा अच्छे लग सकते हैं, ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो उनके हित की बात कर रहे हैं, लेकिन जब लाखों संत आपके हित की बात नहीं कर रहे, आपका समर्थन नहीं कर रहे,
तो आपको आत्मचिंतन करना चाहिए कि लाखों संत हमारा विरोध क्यों करते हैं। ये इसलिए महाराज जी, ये एक विशेष वर्ग की राजनीति करने का काम कांग्रेस जी, जो भारतीय जनता पार्टी के हित की बात करता है, वो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में संत क्या बोले क्या नहीं बोले, मेरा यही तो सवाल है कि संतों को राजनीतिक पार्टी नहीं देखना चाहिए मिश्रा जी, संतों को तो सकल समाज के हित के लिए बात करना चाहिए। डबल डिजिट अगर अगर आपका यही, चलिए सर हम समझ गए, सर इजाजत नहीं दे रहा है मेरे को, बात आ रही है राजनीतिक चश्मे से देखेंगे। बहुत धन्यवाद अवधेशपुरी जी महाराज, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन चलते चलते मैं वो तीन सवाल जरूर मैं चाहूंगा कि एक बार जरूर दिखाइएगा, जिन तीन सवाल को हम छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए, क्या सज्जन वर्मा ने जो टिप्पणी की है, देखिएगा आप टीवी स्क्रीन पर एक बार वो तीन सवाल। पहला सवाल ये, दूसरा सवाल संतों पर नेताओं की टिप्पणी कितनी सही, ये दूसरा सवाल है, और क्या राजनीतिक फायदे के लिए बयान दे रहे नेता। पहला सवाल यह है कि सज्जन वर्मा के बयान से कांग्रेस को फायदा या नुकसान, ये आम जनता के लिए छोड़े जाते हैं। लेकिन संतों पर टिप्पणी करना, जिस तरह से सज्जन वर्मा जी ने कहा कि दुकान चला रहे, उनके कहने का मायना वही समझे बेहतर समझ पा रहे होंगे, पर एक नई बहस जरूर छिड़ गई और इसीलिए तो इस फासले को लेकर बहस गर्म है। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंस न्यूज पर, नमस्कार।